आसाम डिब्रुगढ़ रे साहा को गुरु गर्जन। नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार। 24 रे बीजेपी 300 रु अधिक आसन जितबा नै दृढ़ोक्ति। कांग्रेस ओ अन्य विरोधी को कले टारगेट। खूब शीघ्र कांग्रेस मुक्त भारत नै भविष्यवाणी। अवसर थिला आसाम डिब्रुगढ़ रे बीजेपी पार्टी ऑफिसर शिलान्यास आउ मंच उपरु बीजेपी रा विशाल विजय नै भविष्यवाणी कले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। 24 लोकसभा निर्वाचन रे दल 300 रु अधिक आसन जितबा नै दृढ़ोक्ति प्रकाश। सेहीपरि उत्तर पूर्व राज्यर 14 लोकसभा आसन रु दल 12 विजय हेबा नै भविष्यवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व में क्रमगत तृतीय थर पर दल क्षमता को फेर शाह कांग्रेस और अन्य विरोधी को निशाना साधि। विदेश में राहुल को भारत विरोधी मंतव्य नहीं कड़ा भाषा कर समालोचना। उत्तर पूर्व भारत में कांग्रेस सत्ता हर जदि दल एभली देश को अपमानित करे तबे पूरा देश में कांग्रेस सत्ता हर चेताई शाह। प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में भारत विश्व में परिचित पूर्व अपेक्षा अधिक सुरक्षित होतर पूर्व आतंकवाद संपूर्ण शेष होगासह विकास हो तेणु विरोधी जी गाड़ी देवे दल से मजबूत हो। नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ। एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, अब राहुल बाबा ने पूरे देश की यात्रा करी, बाद में ये तीन राज्यों के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। राहुल बाबा अभी भी समझ जाओ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है, यही रास्ते पर चले तो देश भर में सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आसाम की 14 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। से बड़े अप्रैल 14 रे दुई दिनिया पश्चिम बंग गस्तर जिबे अमित शाह। 14 रे बीरभूम रे एक जनसभा को संबोधित करिवे। यहा परे 15 तारीख रे कोलकाता रा दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाई मां को दर्शन करिवार कार्यक्रम रहिछि। 15 तारीख रे पश्चिम बंग नुआ वर्ष पडुथुआ बळे एही दिन शाह को गस्त बीजेपी कर्मी को उत्साहित करिवो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।